महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार के सौजन्य से ब्लॉक मुंडापांडे सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को सरकार की योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडापांडे ब्लॉक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ियों द्वारा चयनित पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने का काम किया गया। इसमें गर्भवती महिलाएं एवं कुपोषित बच्चों को सरकार की योजना के लाभ से लाभान्वित कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडले द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी सेवा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है, जो 1975 में इसकी स्थापना के बाद से आंगनबाड़ी सेवा योजना द्वारा अपने दायरे में उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण हेतु आंगनबाड़ी सेवा योजना ICDS स्कीम के संचालन के लिए वर्ष 1988 से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में एक अलग विभाग कार्यरत है। वर्ष 2008-09 में इस योजना का सार्वभौमीकरण हो चुका है और ये योजना उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 897 बाल विकास परियोजनाओं एवं 1,79,779 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजना संचालित है। वहीं आलोक कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी मुरादाबाद, ने कहा कि योजना मुख्य रूप से शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है। चूंकि कुपोषण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित SDGs से निकटता से जुड़ा है, राज्य में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग पोषण संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। लिखा भी हुआ कि चम्मच में देना है कि एक चम्मच देना है कि दो चम्मच देना है, तो आप सबको इसको तो देख भी नहीं। ये बिल्कुल एक मीठी चीज है जो बादाम, छुआरे और अखरोट, तिल, सब चीजों से बना है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटीन होता है। मैं आपको रामपुर की एक घटना बताता हूँ। एक लड़की जो चलते चलते गिर जाती थी, मिट्टी खाना पेट में गिरे, मतलब उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। माँ बाप उसको लेके इतने ज़्यादा चिंतित थे कि लगता था कि ये बचेगी नहीं, और हमें भी लगा कि इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमने खुद रेगुलर, हमारी टीम ने खुद रेगुलर जाके उसको सुबह शाम खिलाया, और ठीक 2 महीने बाद आंगला गाँव की एक लड़की है, अगर किसी को रिश्तेदारी में हो तो जानकारी करें, जाए नहीं। आंगला गाँव की वो लड़की है, 3 महीने बाद वो पूरे गांव में ऐसे खेलती और उसकी घूमती रहती है। उनके माँ बाप को आश्चर्य होता है कि ये जिंदा कैसे, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, खाना खा ही नहीं रहे, उसका पेट खराब। ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों AWCs को बच्चों, किशोरियों और गर्भवती धात्री महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के लिए स्थानीय संपर्क केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग दुनिया के सबसे बड़े और इस सबसे अनोखे और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को पूरक पोषण, टीकाकरण, बच्चों की वृद्धि पर निगरानी, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएं, पूर्व स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। जो पोषण का प्रबंधन पर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें एक नया और इनिशिएटिव लिया गया आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के डायरेक्शन में, कि आहार से उपचार तक एक स्कीम है, जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम प्रयोग करके अपने कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में ला सकते हैं। तो मुंडापांडे में आज ये प्रोग्राम किया गया। अभी एक इनिशिएटिव तो ले लिया गया था ये 7 जनवरी को, लेकिन अब इसको हम दूसरे भी विकासखंडों में आगे प्रसारित कर रहे हैं, तो इसमें आज मुंडापांडे में ये दिया सिंबॉलिक रूप से 10-30 लोगों को ये दिया गया। 156 का ये टारगेट है हमारा दिए जाने का। ये किट है जिसमें 7 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, और रामपुर की ये संस्था है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रही है, और उन्होंने रामपुर में ये एक इनिशिएटिव लिया था और जो सक्सेसफुल रहा उस रूप में, तो इसको रेप्लिकेट करके हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इसको इनिशिएट हम कर सकें। जैसा कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, NGOs के पार्टिसिपेशन के साथ हम कुपोषण को दूर कर रहे हैं। एक PPP मॉडल तैयार किया गया है जनपद मुरादाबाद में, उसमें CL गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की जो प्रोजेक्ट स्नेह है, अभी उन्होंने 950 बच्चों को अडॉप्ट किया जो सैम बच्चे हैं,